हेलो, गुड टॉक। वेल, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि एडमिशन के लिए हमारे पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। ओके, अब जब आपके पास मीन्स वो डॉक्यूमेंट्स सब कुछ हैं, मतलब जो हमें एक एडमिशन के लिए अप्लाई करने के लिए चाहिए, देन अब हमारे पास होना चाहिए ओके फाइन, हम अपने एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग या हमारे इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हम कोर्सेज को कैसे सर्च करें। ओके, तो ये वीडियो मैं अपने कंप्यूटर पे शो करूँगा, लाइक कि हाउ टू सर्च विद द हेल्प ऑफ DAAD.DE। ठीक है, हम इस वीडियो में बैचलर्स और मास्टर दोनों के लिए कोर्स सर्च करेंगे। ठीक है, मीन्स अगर जस्ट फॉर एग्जांपल आप बैचलर्स के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको कैसे लाइक अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज कैसे सर्च करने हैं, सेम सिनेरियो मास्टर्स के केस में भी होगा। ठीक है, और अप्लाई कैसे करना है वो हम उसके बाद डिस्कस करेंगे। चलिए अब हम चलते हैं अपनी स्क्रीन पर। हेलो फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करते हैं कि अपने कोर्स को हम कैसे सर्च करें विद द हेल्प ऑफ डैड वेबसाइट। ओके, उसके लिए आपको इस वेबसाइट को ओपन करना है DAAD.DE। ठीक है, ओके, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये लाइक जर्मन लैंग्वेज में लिखा हुआ है, तो आप पहले उसको इंग्लिश में चेंज कर ले। यहाँ पर आप देखिए इंग्लिश की ऑप्शन है, जिस मैं क्लिक करूँगा तो ये इंग्लिश की ऑप्शन आ जाएगी। ये आप डायरेक्ट भी DAAD.DE/EN करके भी सर्च कर सकते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे लाइक कि यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन है इन्फॉर्मेशन फॉर फॉरनर्स। ओके, जब यहाँ पे आप देखेंगे हमारे पास स्क्रॉल करके ऑप्शन आएंगे स्टडी प्रोग्राम्स। अब यहाँ पे स्टडी प्रोग्राम्स में लाइक इंटरनेशनल प्रोग्राम्स हैं, ऑल स्टडी प्रोग्राम्स। ठीक है, ऑल स्टडी प्रोग्राम मीन्स की लाइक जस्ट फॉर एग्जांपल आप जर्मनी में या किसी ईयू कंट्री में हैं तो उसके लिए भी आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। अगर आप एक इंटरनेशनल कैंडिडेट हैं, मतलब लाइक आप बाहर जा रह रहे हैं लाइक नॉन ईयू कंट्रीज, और आप वहाँ पे मूव करने का प्लान कर रहे हैं, तो आप इंटरनेशनल प्रोग्राम्स को सर्च किए ज़्यादा बेटर रहेगा। आप यहाँ पे लैंग्वेज और शॉर्ट कोर्सेज को भी अलग से सर्च कर सकते हैं। ओके, तो हम स्टार्ट इससे कर रहे हैं। अगर आपकी प्रायोरिटी ये है तो आप इसको भी देख सकते हैं, वो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए कि आपकी क्या कंडीशंस हैं। ओके, इंटरनेशनल प्रोग्राम्स पे गए, ये चीज़ मैं बैचलर्स और मास्टर्स दोनों के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, मीन्स की ये नहीं कि आपने बैचलर्स के लिए कुछ और अलग मेथड यूज़ करना है या मास्टर्स के लिए या कोई और स्टडी प्रोग्राम के लिए आपने कोई और मेथड यूज़ करना है, ये सभी के लिए सिमिलर ही चलेगा। ओके, अब जस्ट फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक कीवर्ड है लाइक आपने किस चीज़ में क्या करना चाहते हो, कंप्यूटर साइंस में जाना चाहते हो, लॉ में जाना चाहते हो, तो कीवर्ड इस सर्च टैब में आप डाल सकते हैं, वो चीज़ आ जाएगी। जस्ट फॉर एग्जांपल अभी मैं सभी कोर्सेज को लिस्ट कर रहा हूँ, तो जस्ट हम लाइक जस्ट फॉर एग्जांपल अगर मैं देखता हूँ कि मुझे बैचलर्स करना है, ठीक है, मैं बैचलर्स के लिए जर्मनी में जाना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे कोर्स टाइप में बैचलर पे टिक किया। ओके, अब सेकंड आता कि कोर्स लैंग्वेज, जैसे कि मेरे पास कुछ क्वेरीज आती हैं कि मैं मुझे जर्मन लैंग्वेज नहीं आती, या हमारा कोर्स या हमारा प्रोग्राम इंग्लिश लैंग्वेज में जो हो वो हमें बताइए, तो आप वो यहाँ से सर्च कर सकते हैं कि आपको प्रोग्राम इंग्लिश में चाहिए, जर्मन में चाहिए, या कुछ भी हो सकता है। तो आप दोनों को भी टिक कर सकते हैं अगर आप जर्मन लैंग्वेज आपको आती हो। अगर आपको जर्मन में नहीं, सिर्फ इंग्लिश कोर्सेज को ही सर्च करना है तो जस्ट इंग्लिश को ही रहने दीजिए। ठीक है, तो अभी मैं इंग्लिश ही कर रहा हूँ, तो आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग इसमें चेंजेस कर सकते हैं। ओके, देन फील्ड ऑफ स्टडी, आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं, एग्रीकल्चर, आर्ट, इंजीनियरिंग, लैंग्वेज एंड कल्चरल स्टडीज, लॉ, ठीक है, मैथमेटिक्स और स्पोर्ट्स। तो मैं यहाँ पर एक इंजीनियरिंग का केस लेके जा रहा हूँ। ठीक है, आप देख लीजिए आपकी क्या नीड है, उसके अकॉर्डिंग आप इसको स्विच कर सकते हैं। ओके, अब इसलिए जाए कि यहाँ पे देखो हमारे पास क्या 30 प्रोग्राम्स अवेलेबल। ओके, मीन्स कि अभी हमने कुछ कीवर्ड नहीं डाला, जस्ट हमने क्या डाला, बैचलर इंग्लिश लैंग्वेज और इंजीनियरिंग फील्ड, सिर्फ तीन चीज़ें हमने डाली है, उसके अकॉर्डिंग 30 प्रोग्राम्स आ रहे हैं। अगर आप कुछ कीवर्ड को जानते हैं तो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, अदरवाइज आप सीधा सर्च पे क्लिक कर दीजिए। ओके, अब यहाँ पर उन्होंने कुछ रिजल्ट्स को शो किया, मीन्स कि जो हमने अपनी क्राइटेरिया डाली उसके अकॉर्डिंग ये रिजल्ट्स उसने शो किए हैं। अब इसमें कोर्सेज ट्यूशन फीस पर सेमेस्टर के साथ भी हैं, और लाइक जैसे कि यहाँ पर 1500 यूरो, 3600 यूरो के, देन यहाँ पर देखिए इसकी कोई फीस नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सभी कोर्सेज को उन्होंने लिस्ट किया हुआ है। अब जस्ट फॉर एग्जांपल आप चाहते हो कि मुझे वो कोर्सेज चाहिए जो वहाँ पर ट्यूशन फ्री हो, जहाँ पे ट्यूशन फीस फ्री हो, तो आप यहाँ पे एडवांस सर्च में जाएंगे,
यहाँ पे ट्यूशन फीस सेक्शन में आप नो फीस पे क्लिक कर सकते हैं, तो आपके रिजल्ट को और फिल्टर कर देगा। ओके, अब इन्होंने देखिए यहाँ पर इन्होंने वो कोर्सेज लिस्ट करके बताए हैं जहाँ पर हमारी ट्यूशन फीस बिल्कुल भी नहीं है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर कोई भी एक रेंडम नेम किसी कोर्स को चेक करते हैं, जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैंने लाइक फर्स्ट कोई देखता हूँ। ओके, फर्स्ट ऑप्शन मेरे पास ये थी। ओके, मैंने इसको क्लिक किया, अब हमारे पास क्या क्या ऑप्शन आ रही हैं। ओके, देखिए फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास लाइक मतलब कि इस कोर्स के बारे में आप डिस्क्रिप्शन बता रहे हैं वो कि ओवरव्यू क्या है, ये डिग्री हमारी बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री हमें मिलेगी अगर आप इस कोर्स में एनरोल होते हैं। ठीक है, टीचिंग लैंग्वेज हमारी इंग्लिश होगी। ठीक है, लैंग्वेज 100% इंग्लिश में ही होगा। ठीक है, प्रोग्राम ड्यूरेशन 6 सेमेस्टर का ये प्रोग्राम है जो विंटर सेमेस्टर में स्टार्ट होगा। ठीक है, एप्लीकेशन की डेडलाइन उन्होंने 15 मई एंड 15 जुलाई दिया हुआ है, तो वो मे बी लाइक कि एक नॉन ईयू, अगर आप मतलब कि ईयू से बिलोंग नहीं करते हैं तो उसके लिए 15 मई हो गया, अगर आप ईयू कंट्री से बिलोंग करते हैं तो 15 जुलाई होगा। ठीक है, तो वो आप बाकी डिस्क्रिप्शन वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। ओके, ट्यूशन फीस नहीं है, बाकी डिस्क्रिप्शन कंटेंट आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट यहाँ पे जैसे कि कोर्स डिटेल है, तो डिटेल में पूरा उन्होंने कोर्स का ऑर्गेनाइजेशन पूरा स्ट्रक्चर उन्होंने यहाँ पे समझाया है कि ओके फाइन की कोर्स कितने ECTC पॉइंट ECTS पॉइंट से रिलेटेड है। ठीक है, एरिया क्या होगा, सब कुछ यहाँ पे है, असेसमेंट किस वे से असेसमेंट किया जाएगा। ठीक है, तो वो सारी इंफॉर्मेशन आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, इंटर्नशिप है नहीं है, जो भी कुछ डिटेल्स होंगी आप यहाँ पे वो सारी चीज़ें देख सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे काफ़ी इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। ओके, अब नेक्स्ट सेक्शन हमारा कॉस्ट एंड फंडिंग। ओके, कॉस्ट एंड फंडिंग में लेके हमने वो कोर्स सेलेक्ट किए थे जहाँ पे ट्यूशन फीस नहीं है, तो उन्होंने वही मेंशन किया हुआ है। ठीक है, मगर सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन आपको पे करना पड़ेगा, जो मैंने आपको पहले वीडियोज में बताया था कि सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन यूनिवर्सिटीज चार्ज करती है। ठीक है, जो आपको सेमेस्टर टिकट्स की फॉर्म में वो आपको रिटर्न करता है समथिंग, तो उन्होंने उसकी डिटेल्स आपको इस डोमेन पे दिया हुआ है, तो मैं इस डोमेन को भी ओपन कर लेता हूँ। वैसे नॉर्मली यहाँ पर सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन चार्जेस भी लिखे होते हैं, मगर अगर उन्होंने डोमेन मेंशन किया तो वहाँ पे मेंशन होगा, हम देख सकते हैं। ओके, जैसे सेमेस्टर फीस पेमेंट फॉर द न्यू सेमेस्टर, जैसे उन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है कि 129.40, मतलब इतना यूरो आपको एज ए सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन, मीन्स कि 6 मंथ का आपको इतना पे करना पड़ेगा। ठीक है, ट्यूशन फीस नहीं है, सिर्फ इतना आपको पे करना पड़ेगा। अगर आप करेंसी रेट अगर आप चेक करते हैं, लाइक अभी 120 लाइक 80 रुपीज़ चल रहा है, तो 129 है, 129.40 इंटू 80। ओके, मीन्स की 10,352 इतने रुपीज़ आपका पर सेमेस्टर पे करना पड़ेगा आपको। ठीक है, ओके, अब हम देखते हैं आगे हमारे पास क्या है। कॉस्ट ऑफ लिविंग, सभी कॉलेजेस आपको एक रफली एस्टिमेट बताएंगे कि आपको एस्टिमेशन मतलब लाइक कि कॉस्ट वहाँ पर रहने का कितना पड़ेगा। जैसे कि इन्होंने बताया हुआ है कि 800 यूरो पर मंथ आपका हो सकता है, जिसमें आपका एकोमोडेशन, लिविंग, हेल्थ इंश्योरेंस, बुक्स और अदर एक्सपेंसेस इंक्लूडेड है। ठीक है, मतलब ये इन्होंने एक कन्फर्म रेट नहीं है, ये एक इन्होंने एस्टीमेट बताया। ठीक है, ये बजट आपका हो सकता है एक स्टूडेंट के लिए। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो आपका जो 800 यूरो में से जो हाफ पोर्शन है वो आपका एकोमोडेशन में ही खर्च होगा। ठीक है, तो आपका जो एकोमोडेशन जैसे आप लेते हैं, जस्ट फॉर एग्जाम्पल अगर आपको एकोमोडेशन अगर आपने थोड़ा महंगा लिया, लाइफस्टाइल आपका थोड़ा कॉस्टली हुआ, तो ये रेट वेरी कर सकता है। ठीक है, उन्होंने एक नॉर्मल बताया, तो अपने अकॉर्डिंग उसको एडजस्ट कर सकते हैं, मतलब कम भी हो सकता है, इसे बढ़ भी सकता है, मतलब एस्टिमेट स्टूडेंट लाइफ के लिए 800 यूरो उनके अकॉर्डिंग इनफ होंगे। ठीक है, ओके, फंडिंग भी है अगर आप मतलब लाइक इस कोर्स में एनरोल होते हैं, अगर आप यहाँ पर फंडिंग की ऑप्शंस भी मिलेंगी, मतलब जॉब्स होंगी या कुछ और मेथड्स होंगे, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि कैसे वो करना है। ठीक है, कोर्स के बाद या वेबसाइट पे उनकी आप चेक कर सकते हैं। ओके, अब इस कोर्स में रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी अगर आपने इस कोर्स में एडमिशन लेना है, तो उसके लिए उन्होंने क्या बताया हुआ है कि ओके ऑब्वियस बात है कि हमारे पास अगर आप बैचलर्स में या अंडर ग्रेजुएट डिग्री में एनरोल होना चाहते हैं, तो आपके पास उसका इक्विवेलेंट मीन्स कि आप जस्ट फॉर एग्जाम्पल 12th आपके पास होना चाहिए, 12th के बाद ही आप अंडर ग्रेजुएट कोर्स में एनरोल हो सकते हैं, तो वो इक्विवेलेंट उन्होंने बताया हुआ, वो सर्टिफिकेट आपका क्लियर होना चाहिए। ठीक है, एक्सक्यूज मी। ओके, आपको एक लेटर ऑफ मोटिवेशन देना पड़ेगा। ठीक है, जो उन्होंने बताया मैक्सिमम 2 पेजेस का हो सकता है, A4 साइज पेपर होने चाहिए, जो मैंने बताया था कि लेटर ऑफ मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। ठीक है, इसको आप सीरियसली लीजिएगा, आप फॉर्मेलिटी के
वे में इसको टाइप मत करना कि लाइक कि मैंने फॉर्मेलिटी ही करनी है, एक डॉक्यूमेंट्स जैसे पूरे करने हैं वो मैंने भेज दिया। इसके बेस पे आपका एडमिशन रिजेक्ट भी हो सकता है, इसलिए मोटिवेशन लेटर को आप बहुत केयरफुली पिक करना। ओके, देन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट प्रोसीजर, मतलब कि लाइक इन्होंने बोला कि लाइक हमारे पास इनके पास कई सारी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन आती हैं, तो उन्होंने कुछ असेसमेंट प्रोसेस उन्होंने कुछ वेबसाइट पे लॉन्च किया होगा कि लाइक आप उसको फॉलो कीजिए, अपनी डिटेल्स डालिए, तो वो बता देगा कि आप उस डिटेल के अकॉर्डिंग आप एलिजिबल हो या नहीं हो। तो वो जैसे एक रिकमेंडेशन आपके लिए कि आप अपना मनी और एफर्ट उस पर वेस्ट ना करें, ठीक है, अगर आप उसके लिए एलिजिबल नहीं होते, तो वो जैसे आपको सिंपल करने के लिए बताया हुआ है, आप वो डिटेल्स वहाँ पे देख सकते हैं। ओके, लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी कि ओके फाइन, अगर आपने यहाँ पे कोर्स में एनरोल होना है तो हमारे पास टॉफिल आइल्स ये सर्टिफिकेट्स वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, जिसमें इन्होंने स्कोर को डिफाइन किया हुआ है कि अगर टॉफिल में आते हैं तो आपके पास क्या स्कोर होना चाहिए, ठीक है, अगर आप आइल्स को लेते हैं तो आपका क्या स्कोर होना चाहिए, मतलब आप उसको देख लेना। डेडलाइंस, देन वेयर टू सबमिट द एप्लीकेशन, ये एड्रेस उन्होंने कॉलेज का एड्रेस दिया हुआ है। मगर अब यहाँ पे देखिए एक चीज उन्होंने यहाँ पे नोट डाला हुआ है कि इन जनरल इंटरनेशनल एप्लीकेंट्स, इंटरनेशनल एप्लीकेंट्स कौन से हुए, जो नॉन ईयू पर्सन है, मीन्स हम लोग इंटरनेशनल एप्लीकेंट्स में आएंगे, ठीक है, हैव टू अप्लाई वाया यूनिसिस्ट। जैसे मैंने आपको पहले वीडियोज में बताया था कि किसी भी कॉलेज में अप्लाई करने के दो मैथड होते हैं, या तो हम डायरेक्ट उस कॉलेज में अप्लाई करें या हम विद द हेल्प ऑफ यूनिसिस्ट उस कॉलेज में अप्लाई करें। वो हमारा यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करता है, कुछ कॉलेजेस डायरेक्ट एप्लीकेशन एक्सेप्ट करते हैं और कुछ कॉलेजेस विद द हेल्प ऑफ यूनिसिस्ट उन चीज़ों को प्रोसेस करते हैं। तो वो उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि इंटरनेशनल एप्लीकेंट्स यूनिसिस्ट के थ्रू ही अप्लाई करें, तो आपको उसके लिए यूनिसिस्ट अकाउंट बनाकर उसके थ्रू इस कोर्स के लिए एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी, ठीक है। तो उन्होंने वो चीज़ उन्होंने इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, तो आप यूनिसिस्ट के थ्रू अप्लाई करना, वो आपको मैं बता दूंगा कि यूनिसिस्ट अकाउंट पे हमने कैसे वर्क करना है। ओके, अब हमारे पास लाइक सर्विसेज आप देख सकते हैं, एकोमोडेशन वो देते हैं, मतलब किस वे से है सब कुछ उन्होंने डिफाइन किया हुआ, ठीक है, करियर एडवाइजरी सर्विसेज भी है उनके पास, वो आप देख लेना यहाँ पर, ठीक है। अबाउट द यूनिवर्सिटी कुछ डिटेल उन्होंने यूनिवर्सिटी के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है, और अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए उस कोर्स की तो आप कोर्स वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, ठीक है, अगर आपको कोई डाउट है तो आप उनको ईमेल भी कर सकते हैं, आप वो देख लेना, ठीक है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल ये जैसे कोर्स की वेबसाइट है, यहाँ पे उन्होंने सारी इन्फॉर्मेशन दिया होगा कि भी कैसे है क्या है, सब कुछ इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलेगी, ठीक है। फिर उन्होंने यहाँ पे एडमिशन मैनेजर की इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, कि प्रोग्राम मैनेजर की इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, अगर आपको कोई डाउट हो आप इनसे कंसल्ट कर सकते हैं, वो आपकी क्वेरीज को सॉर्ट आउट कर देंगे, ठीक है। ये हमारा है लाइक जैसे हमने इस कोर्स को सर्च किया फॉर इंजीनियरिंग, आप सिमिलरली आर्ट्स या किसी और कैटेगरी के कोर्सेज को भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे फिर से अपने सर्च रिजल्ट में जाता हूँ, कि अगर आप चेंज कर रहे हैं, जस्ट फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे इंजीनियरिंग स्ट्रीम में नहीं, मैं किसी और स्ट्रीम में देखना चाहता हूँ, ठीक है, सेम है बैचलर्स है, मगर इंजीनियरिंग की जगह पे मैंने अगर लॉ को चेक किया, अब हमारे पास क्राइटेरिया क्या है, बैचलर डिग्री, ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज, नो फीस एंड लॉ कैटेगरी, लॉ इकोनॉमिक्स कैटेगरी के इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डिस्प्ले करेगा। तो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने कुछ कोर्सेज को डिफाइन किया कि आप किन किन कोर्सेज में अप्लाई कर सकते हैं जो उस कैटेगरी में आते हैं, आप वही सेम इन्फॉर्मेशन उसी वे से ही रिट्रीव कर सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। सिमिलर मेथड हमारा बैचलर्स के केस में था, तो वही सिमिलर हमारा मास्टर्स केस में होगा। यहाँ पे मैं बैचलर्स रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने यहाँ पे अगर मास्टर्स सेलेक्ट करता हूँ, आप देखेंगे यहाँ पे मास्टर, पीएचडी, क्रॉस फैकल्टी ग्रेजुएट, शॉर्ट कोर्स, स्टडी ऑनलाइन, सारी इन्फॉर्मेशन है। फिर मैं मास्टर्स में जा रहा हूँ, ठीक है, अभी मास्टर्स में क्या है, इंग्लिश लैंग्वेज, लॉ इकोनॉमिक्स एंड मास्टर कैटेगरी। अभी यहाँ पे मैंने फीस को नहीं लिया है, वैसे मास्टर के मैक्सिमम कोर्सेज आपको फ्री मिलते हैं अगर आप किसी पब्लिक यूनिवर्सिटी में जाते हैं, ठीक है, मगर अगर आपको एडवांस सर्च में आके आप फीस को भी नो फीस कर दीजिए, ठीक है। ओके, अब मेरे पास इंग्लिश, लॉ इकोनॉमिक्स, मास्टर एंड नो फीस, रिजल्ट टोटल 148 बता रहा है। तो आप यहाँ पे उन कोर्सेज के डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हैं, ठीक है, कि लाइक अगर मैं एक कोर्स पे गया, हमारा ओवरव्यू, कोर्स डिटेल, कोर्स फंडिंग तो सिमिलर ही होगा जैसे हमने लाइक बताया। देखिए यहाँ पे अगर मैं सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन की बात कर लूँ, यहाँ पे उन्होंने 250 to 300 यूरो पर सेमेस्टर बताया हुआ है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ लिविंग भी एस्टिमेट 600 to 900 यूरो पड़ेगा, वो डिपेंड करता है उन्होंने, देखिए वेरिएशन उन्होंने स्टूडेंट रेजिडेंस के ऊपर बताया,
कि आपको किस टाइप का रेजिडेंस मिलेगा, उसके अकॉर्डिंग आपका मनी काफी वेरी करेगा। ठीक है, रिक्वायरमेंट्स की बात करता हूँ तो ऑब्वियस बात है, अगर आप किसी मास्टर कोर्स में एनरोल होना चाहते हैं तो उसके लिए आपको बैचलर होना चाहिए। तो यहाँ पे उन्होंने वो बैचलर डिग्री की डिमांड की है, और बैचलर डिग्री किस में चाहिए हमें, बिजनेस स्टडीज में। ठीक है, तो इसमें अगर आपकी बैचलर डिग्री है तो आप इस कोर्स में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एक्सक्यूज मी, आपके पास इंग्लिश स्किल उन्होंने मांगा है तो आप इन इंफॉर्मेशन में अपनी इंग्लिश को प्रूव कर सकते हैं, जैसे उन्होंने यहाँ पे दिया हुआ सब कुछ, तो आप उसके अकॉर्डिंग देख लेना। ठीक है, तो यहाँ पे अपनी डिटेल्स के अकॉर्डिंग देखिए, यहाँ पे भी उन्होंने लेटर ऑफ मोटिवेशन मांगा हुआ है। ठीक है, सीवी मांगा हुआ है, सीवी आप मैं रिकमेंड करता हूँ यूरो पास के थ्रू ही बनाए, जीमेट स्कोर। ठीक है, देन एप्लीकेशन डेडलाइन, ओके। यहाँ पर भी देखिए उन्होंने क्या बोला है कि जो भी जिनके पास नॉन जर्मन डिग्री है वो विद द हेल्प ऑफ यूनिसिस्ट ही अप्लाई करेंगे, मीन्स कि हमारे पास यूनिसिस्ट के थ्रू ही इसको अप्लाई करना है इस कोर्स में भी। सिमिलरली आप जैसे ये मैंने लॉज कैटेगरी में एक चेक किया था, अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में जीरो फीस और मास्टर इंग्लिश लैंग्वेज को चेक करते हैं तो आप वो भी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब आप एक चीज देखना कि इसमें मैंने सर्च कीवर्ड में कुछ भी नहीं डाला, क्यों? क्योंकि ये मैंने जस्ट इंजीनियरिंग स्ट्रीम को लिया हुआ है। आप इंजीनियरिंग स्ट्रीम में पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर भी फोकस कर सकते हैं कि वो इंजीनियरिंग इन जनरल, आर्किटेक्चर, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल प्रोसेस। ठीक है, ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उसके अकॉर्डिंग आप रिजल्ट को आप और फिल्टर कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करता हूँ, ने क्लिक किया तो उसने रिजल्ट 60 रिजल्ट दिखाए हैं। ये सब वो कोर्सेज होंगे जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल ब्रांच डिवीजन से रिलेटेड होंगे। ठीक है, मीन्स कि आप इन कोर्सेज में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आप एक चीज गौर करना कि यहाँ पे कंप्यूटर साइंस या आईटी सेक्टर का कुछ भी नहीं है, आप देखेंगे तो उसके कोर्सेज इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर ही मिलते हैं, मीन्स कि वो इसकी सब डिवीजन का पार्ट माना जाता है। देखिए यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे तो वो आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगी, जैसे कि कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग देखिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में है, कंप्यूटेशनल इंजीनियरिंग। ठीक है, अगर मैं किसी और रिजल्ट को भी देखता हूँ, ओके, देखिए कंप्यूटर इंजीनियरिंग, मैंने वहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लिया हुआ है था। ठीक है, देखिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है तो देखिए कंप्यूटर इंजीनियरिंग आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में मिला। ठीक है, तो इसमें आप कंफ्यूज मत होना, तो वो आपको इजीली सारी इंफॉर्मेशन भी मिल जाएगी। अगर आप फिर भी डाउटफुल हैं कि लाइक मुझे नहीं पता कि भी मैंने क्या लेना है, क्या किस कैटेगरी में आता है मेरा कोर्स, यहाँ पे मुझे नहीं मिल रहा, तो आप कीवर्ड में डाल सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल मैं कंप्यूटर कीवर्ड डालता हूँ तो ये उन रिजल्ट को शो कर रहा है जो कंप्यूटर से रिलेटेड होंगे, लाइक कंप्यूटेशनल मैकेनिक्स, कंप्यूटेशनल मटेरियल, कंप्यूटर साइंस। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आप रिजल्ट को चेक कर सकते हैं, और मेथड वही होगा कि कैसे आपने अप्लाई करना है, क्या करना है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। रिक्वायरमेंट्स में देखिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये यूनिसिस के थ्रू नहीं है, मीन्स कि देखो सबमिट एप्लीकेशन, प्लीज अप्लाई डायरेक्टली, देखिए थ्रू डेगनट्रॉफ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, वाई एप्लीकेशन पोर्टल, मीन्स कि ये आउटसाइड स्टूडेंट्स के लिए भी डायरेक्ट एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो आपने जस्ट इस लिंक को फॉलो करना है और जो भी इंफॉर्मेशन होगी उसके अकॉर्डिंग आप फिलअप करते रहोगे, वो चीज़ हो जाएगी। ठीक है, रिक्वायरमेंट्स में इन्होंने क्या बोला कि आपको बैचलर डिग्री होनी चाहिए इन कंप्यूटर साइंस या सिमिलर फील्ड लाइक आईटी सेक्टर। ठीक है, असेसमेंट टेस्ट है उनकी वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा, कि मीन्स कि अगर आप उस कोर्स में एनरोल होना चाहते हैं तो आपको कुछ क्वेश्चंस होंगे, आप उनके आंसर दीजिए तो वो आपको बता देंगे कि ओके फाइन, आप इस कोर्स के लिए एलिजिबल हो या नहीं हो। ठीक है, तो वो आप उसके अकॉर्डिंग अपना चेक कर लेना। ठीक है, डेडलाइंस यहाँ पर है। ठीक है, होप सो आपको ये इन्फॉर्मेशन क्लियर हो गया होगा कि हमने कोर्स को कैसे सर्च करना विद द हेल्प ऑफ DAD.JEE। अगले वीडियोज में हम देखेंगे कि यूनिसिस्ट का अकाउंट कैसे क्रिएट करना है और विद द हेल्प ऑफ यूनिसिस्ट हमने कोर्स को कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, अगर आपको अभी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, और प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, और वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।